नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अब हम लोग अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमें अब वर्कशीट में करना है। किसमें करना है? वर्कशीट में करना है, हिंदी वर्कशीट। तो इसमें है पठित गद्यांश 1। तो बच्चों, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश क्या है? पठित गद्यांश मतलब जो हम टेक्स्ट बुक का पैसेज लेते हैं, और अपठित, अपठित मीन्स बिना पढ़ा हुआ, जो हम कोर्स के बाहर वाले कोई भी बुक से लेते हैं, ठीक है। तो पठित मीन्स पढ़ा हुआ, अपठित मीन्स बिना पढ़ा हुआ, ठीक है। पठित गद्यांश 1 देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या है? खेल खेल कर बड़े हुए, इसके आंचल की छाँव में हंसना रोना गाना सीखा, मातृभूमि की छाँव में। तो इसे आप भी एक बार पढ़िए मेरे साथ साथ। खेल खेल कर बड़े हुए, इसके आंचल की छाँव में हंसना रोना गाना सीखा, मातृभूमि की छाँव में। अब है पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पद्यांश मतलब पद, ये जो पद कविता से लिया गया है उसको पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्नों का उत्तर मीन्स पैसेज से ही लिखना है, जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है उसी से ढूंढकर हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो 1 नंबर, हम किस तरह बड़े हुए, हम किस तरह बड़े हुए। अब पहले आप लोग इसमें से मुझे आंसर ढूंढ कर बताइए कि क्या होगा। आपको भी तो ढूंढना सीखना है ना पैसेज में से, हम किस तरह बड़े हुए। तो पैसेज में देखिए, यहाँ लिखा हुआ खेल खेल कर बड़े हुए हम। अब बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो लाइन दिया हुआ है खेल खेल कर बड़े हुए, तो आपको यही लाइन यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको वही लाइन यहाँ नहीं, आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखना है। अगर यहाँ लिखा है हम किस तरह बड़े हुए, तो खेल खेल कर बड़े हुए यहाँ नहीं लिखेंगे। हमें इसी के तरीके से क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से आंसर भी लिखना है। हम खेल खेल कर बड़े हुए, किस किस मतलब ये क्वेश्चन हो गया, हम किस तरह बड़े हुए। तो यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है वहीं पे हम आंसर लिखेंगे। हम किस तरह बड़े हुए, हम खेल खेल कर बड़े हुए। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि खेल खेल कर बड़े हुए, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है आंसर लिखने का तरीका। फिर सेकंड है, मातृभूमि की छाँव में हमने क्या क्या सीखा। मातृभूमि की छाँव में हमने क्या क्या सीखा। चलिए इसका आंसर आप बताइए। मातृभूमि, मातृभूमि मीन्स धरती, हमारा देश। तो मातृभूमि की छाँव में हमने हंसना गाना रोना सीखा। अपने देश में, अपने देश की मिट्टी में, अपनी मातृभूमि में हमने हंसना सीखा, गाना सीखा, रोना सीखा, ठीक है। अब है खाली स्थान भरो। खेल, अभी जहाँ पे फिलअप्स दिया हुआ है वहाँ पैसेज में से देखकर आपको देखना है कौन सा वर्ड मिसिंग है, वो वाला शब्द यहाँ पे लिखना है।
खेल खेल कर बड़े हुए, इसके आंचल की छांव में। हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छांव में। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी कर लोगे। अब पेज नंबर टू, पेज नंबर टू में जो है पठित गद्यांश टू, पठित गद्यांश टू, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो मैं सिर्फ पैसेज आपको समझा देती हूँ एक बार, आंसर आपको खुद से लिखना है। घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलिहान हैं, हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किसे कहा गया है? भारत को, हम जिस देश में रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद से लिखोगे, यहाँ से पढ़कर पैसेज में से प्रश्नों के उत्तर दोगे। और आप जिस तरह मैं बताई हूँ कि यहाँ का लाइन उठा के आंसर में नहीं लिखना है, आपको जिस अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है उसी अनुसार आंसर भी लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।